जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं हूँ सोनू, ये है मेरी माँ और ये है मोनू, और हम आए हैं आप सारे छोटे दोस्तों के साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। हाँ वाह, बोलो सोनू, कल हम रिया और रानी के घर गए थे ना। हाँ, उनका घर कितना बड़ा है और सुंदर है। हाँ, वो कितने अमीर है ना माँ। वो सब ठीक है सोनू, पर और कुछ तुमने वहाँ पर नोटिस किया? मैंने किया। क्या? बहुत सारा खाना और टेस्टी भी था। मोनू, इसे तो बस खाना ही दिखता है और नहीं तो क्या माँ। हाँ सोनू, मैंने देखा ना। क्या? उनका घर बहुत ही नीट एंड क्लीन था। वेरी गुड, अनलाइक आवर्स। मोनू, ओ देखो क्या तुम क्या देख रहे हो? जिन्हें अपना मुँह चुका रहा। मतलब? सोनू, लगता है वो भी तेरे जैसा ही है। मोनू, और सोनू तुमने देखा रिया और रोनी का कमरा? इट वॉज सो वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड टाइडी। हाँ, अनलाइक सोनूज रूम। मोनू, तुम भी ना। वो देखो। अब कुछ नहीं देखना है, रुको थोड़ा, मुझे सोनू से बात करने दो। और मम्मा? हाँ बोलो बेटा। उनका स्टडी टेबल की एकदम नीट एंड टाइडी था। बिल्कुल, सारे बुक्स क्रॉकरली रखे हुए थे। Yes, unlike yours. तुम उसका पीछा नहीं छोड़ोगे आज। ओके, किया ना? कहा है ओके किया ना। बड़ी हंस रही हो सोनू कर, जरा तुम्हारा स्टडी टेबल तो दिखाओ। तुम आज किसी को नहीं छोड़ोगी। अच्छा सोनू, माँ। हाँ बोलो। उन्होंने उनका वार्डरोब और शूरैक भी दिखाया मुझे। अच्छा, वो भी कितने कपड़े और कितने शूज हैं उनके पास। हाँ, बट उनको भी कितने अच्छी तरीके से उन्होंने अरेंज करके रखा है। यस, हाँ, सत्य वचन। हाँ, अब क्या हुआ? अनलाइक आवर सोनू। मतलब? इसका तो एक शूज यहाँ और दूसरा शूज बेडरूम में। मोनू, वो देखो अब क्या देखो? कुश घाक रहा है। कुश? ओके, अपना शूज ठीक कराने के लिए। तुम ना? वाँ। नहीं, कोई बात नहीं। और तुमने देखा सोनू कि जब उनके दादाजी बाहर से आए तो दोनों ने, रिया और रोनी ने, उनको कैसे पैरों को छूके, उनका आशीर्वाद लिया छूकर। हाँ, देखा ना मैंने, और मुझे मेरी गलती भी समझ आ गई। मतलब? मैं तो दादाजी के आने के बाद उनकी काठी और उनका चश्मा ही छुपा देता हूँ। वेरी गुड सोनू। और तुमने देखा कि जब उनकी मम्मी ने उन दोनों को खाना खाने के लिए बुलाया तो उन दोनों ने क्या किया? सबसे पहले तो उन दोनों ने बड़ी ही पोलाइटली तरीके से जी मम्मा करके उनको रिप्लाई किया। हाँ, और बाद में डाइनिंग टेबल के पास जाकर बैठे, खाने से पहले उन्होंने प्रेयर किया और बाद में बड़े ही डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने खाना खाया। डिड यू ऑब्जर्व दिस? हाँ, मैंने भी देखा ना। क्या? अनलाइक आवर सोनू। व्हाट? हाँ, हमेशा टीवी के सामने बैठना और कभी प्रेयर भी नहीं करना, ऐसे ही खाना खाता है। मोनू, पर आप सबको लोक एंड लर्न किड्स हो ना, आप सबको तो दीदी सिखाती है कि साधु संतों को बहराने की भावना करके ही खाना खाना चाहिए और टीवी के सामने बैठकर नहीं खाना चाहिए। क्यों? सही कह रहा हूँ ना दिव्या? माँ, यस सोनू, मुझे भी उनके घर जवार पर जाने का मन कर रहा है। है ना? तो वही बात ध्यान में रखो, जो घर एकदम साफ सुथरा हो, जहाँ हर चीज एकदम अपनी जगह पे नीट एंड टाइडीली ऑर्गेनाइज्ड हो,
बच्चे जहाँ वेल डिसिप्लिन और वेल मैनर्ड हो, वहाँ हमें तो क्या, वहाँ परमात्मा को भी वास करना अच्छा लगता है, और इसलिए वह घर और वह फैमिली हमेशा प्रॉस्परस एंड पीसफुल रहता है। समझ गए सोनू? हाँ माँ, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। मैं भी कर माँ। हाँ मोनू, बोलो। ये सोनू समझ तो गया, मतलब मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। सोनू और डिसिप्लिन लिटिल डिफिकल्ट, कट पॉसिबल? मोनू ना, मैं करके दिखाऊंगा और जरूर करके दिखाऊंगा। वेरी गुड, दैट्स लाइक माय बॉय। हाँ तो देखा, सोनू तो कदम रहा है। उसने तो प्रॉमिस किया है कि वो रॉनी और रिया की तरह एकदम डिसिप्लिन चाइल्ड बन जाएगा। पर व्हाट अबाउट यू? आप सभी सोनू की तरह खुद को बदलने की कोशिश करोगे ना? बिकॉज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी रिसाइड्स वेयर रिस्पेक्ट एंड डिसिप्लिन इज देयर। चलो चलो। कहाँ चलो? अब मैं भी जाता हूँ। कहाँ? अपना कमरा ठीक करने। अच्छा? हाँ, तो मुझे भी तो बनना है एक डिसिप्लिन चाइल्ड लाइक सोनू।